हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं, आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आए दोस्तों। पीएचडी के दाखिले की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी की तरफ से दोस्तों पीएचडी के लिए दाखिले दोस्तों प्रारंभ हो चुके हैं। आज दोस्तों इस वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे, 43 विषयों में करें आवेदन। तो दोस्तों, क्या क्या इसकी फीस रहेगी, क्या क्या सारा स्ट्रक्चर है, सारे इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले हर अपडेट दोस्तों आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ए प्लस ग्रेड प्रदान है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसमें दाखिले दोस्तों सेशन 2020 और 2021 के तहत यूजीसी, सीएसआईआर, नेट और जीआरएफ विद वैलिडिटी पीरियड, मतलब जिन्होंने क्या कर रखा है भाई, नेट और जीआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, वो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के अप्लीकेबल है। फिर बात करते हैं दोस्तों, और जिन टीचर के पास टीचर फिलोसफी होल्डर और इंस्पिरेशन फोल्ड ये इसकी सर्टिफिकेट है, और जिनके पास गेट है कर रखा है, वो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के अप्लीकेबल हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे इससे आगे आपके पास। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके लिए ये थी, जिन्होंने भाई जिस भी सब्जेक्ट से नेट, जीआरएफ या फिर गेट की क्लियर कर रखा दोस्तों, वे पीएचडी करने के इच्छुक हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लीकेबल हैं। फिर बात करते हैं इसकी, तो दोस्तों लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो दोस्तों लास्ट डेट दोस्तों इसमें रखी गई है 15 अगस्त, लास्ट डेट इसकी रखी गई है। फिर बात करते हैं एडमिशन की, जो लिस्ट होगी वो दोस्तों डिस्प्ले कब कर दी जाएगी, 28 अगस्त को कर दी जाएगी। फिर बात करते हैं डेट ऑफ डिपॉजिट फीस, फीस की जो डिपॉजिट डेट है थ्रू ऑनलाइन मोड के माध्यम से दोस्तों कब की जाएगी, वो आपकी की जाएगी 29 अगस्त से लेके आपकी 31 अगस्त के बीच में की जाएगी। फिर आपका कोर्स, आपके पास कोर्स वर्क क्लासेज के लिए 2 तारीख रखी गई है। फिर आपके पास कोर्स वर्सेज क्लासेज के कॉम्पिटेटिव के लिए आपके पास 12/5/2021 रखी गई है। अब बात करते हैं पीएचडी की जो फीस रखी गई है दोस्तों, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, तो दोस्तों पूरी जानकारी देंगे आपको भाई क्या क्या फीस लगेगी किस किस में। तो दोस्तों, बात करते हैं एनरोलमेंट की फीस दोस्तों लगेगी 2500 रुपये दोस्तों लगेगी। फिर बात करते हैं यूनिवर्सिटी का जो चार्ज एनम, मतलब पर ईयर चार्ज है, वो आपका 1000 रुपये लगेगा। फिर बात कर लेते हैं माइग्रेशन फीस दोस्तों लगेगी 2500 रुपये लगेगी। फिर बात कर लेते हैं पीएचडी कोर्स वर्क फीस दोस्तों लगेगी, वो आपकी 10000 रुपये लगेगी। तो दोस्तों, ये सारी बातें दोस्तों इसके नीचे भी लिख रखा है भाई, सारे नोट पॉइंट में भी दोस्तों लिख रखा है, आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर लेके आए दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों अपने साथियों तक भी पहुंचाएं, ताकि दोस्तों वो भी पीएचडी के लिए दोस्तों अप्लीकेबल कर सकें, फॉर्म भर सकें। तो दोस्तों, बात करेंगे इससे आगे, फिफ्थ नंबर पे बात दे रखी है भाई, एनुअल फीस फॉर द रिसर्च प्रोग्राम फॉर द सब्जेक्ट नॉट इन्वॉल्विंग आपका लैब, इसके अलावा आपके पास इसमें कितनी फीस रखी गई है, 5000 रुपये दोस्तों रखी गई है। फिर बात करते हैं आपके पास एनुअल फीस दोस्तों, इसी के अंदर दोस्तों लेबोरेटरी का जो आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, कंप्यूटर वाली सारे के सारे चीज़ वाली दोस्तों, इसके लिए 15000 रुपये रखी गई है। फिर बात करते हैं दोस्तों एनुअल फीस दोस्तों साइंस के अकॉर्डिंग कितनी रखी गई है, ये आपकी 80000 रुपये रखी गई दोस्तों। इसके अंतर्गत आप दे सकते हैं भाई, जो आपके पास कैटेगरी जो ये ए बी सी जो पॉइंट हैं दोस्तों, सारे के सारे जो पॉइंट हैं इनके आपके पास नोट पॉइंट में दोस्तों लिख रखे हैं। तो दोस्तों 5 नंबर तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई 6 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, आप देखिए
सिक्स नंबर की बात कर लेते हैं, लेट फीस पर मंथ। दोस्तों लेट फीस इसकी पर मंथ, यदि आपका जो बंदा है वो अप टू सिक्स मंथ लेट है तो दोस्तों उसकी लगेगी ₹100। तो बियॉइंड जो आपका पहले है दोस्तों वो आपके लगेगी ₹200। फिर बात कर लेते हैं इसका एवलेशन फीस, दोस्तों इसकी लगेगी टोटल ₹12,000 लगेगी। तो दोस्तों ये तो था सारा फीस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा भाई आपकी फीस कितने कितने लगेगी, तो दोस्तों सारी चीज बता दी भाई, यूनिवर्सिटी का चार्ज कितना लगेगा, एनरोलमेंट की फीस कितनी लगेगी, लेट फीस आपकी कितनी लगेगी। तो दोस्तों सभी सूची आपको मिल गई। अब बात करते हैं जो मैंने डिसाइड किए थे कि भाई इसने 43 विषय दोस्तों निकाले हैं। तो पहला विषय आपका बात आती है AIH कल्चरल की बात आती है दोस्तों, पहला है आपका डिपार्टमेंट ये। सेकंड डिपार्टमेंट आपका बात आती है बायोकेमिस्ट्री, थर्ड आपका बात आती है बायोटेक्नोलॉजी, फिर आप कर सकते हैं भाई जो बोटनी रिलेटेड है वो बोटनी के लिए दोस्तों, फिर बात आती है दोस्तों फिफ्थ नंबर पे केमिस्ट्री के लिए। तो दोस्तों ये टोटल आपके आएंगे 43 आएंगे, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। फिर बात कर लेते हैं सिक्स नंबर पे कॉमर्स, सेवन्थ नंबर पे बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। तो फिर दोस्तों बात करते हैं एट्थ नंबर पे, तो दोस्तों एट्थ नंबर पे बात आती है इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों ये आपके भाई कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, आपका इकोनॉमिक्स, उसके आगे दोस्तों नाइन्थ नंबर आपका देखें आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों एट नंबर आपका इकोनॉमिक्स था, नाइन्थ नंबर आपका एजुकेशन है, टेंथ नंबर आपका इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, इलेवेंथ नंबर आपका इंग्लिश है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों ट्वेल्थ नंबर आपका इसमें विषय रहेगा, वो रहेगा दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थे 12। अब बात करेंगे दोस्तों आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपने ये नोट कर दी जाए, जो जो बच्चे ने जिस जिस में दोस्तों पार्टिसिपेट करना है, इसके अलो दोस्तों फॉर्म भरने हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, उसकी हमने फीस भी बता दी आपको। फिर बात करते हैं 30 नंबर पे आपकी फाइन आर्ट के अंदर, फिर बात कर लेते हैं जियोलॉजी के अंदर, फिर बात करते हैं दोस्तों जियो फिजिक्स के अंदर, फिर बात आती है 60 नंबर पे हिंदी के अंदर। तो दोस्तों फिर बात करते हैं 70 नंबर पे हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात आती है। तो दोस्तों आर्ट वाले बच्चे, जूलॉजी वाले बच्चे, जियो फिजिक्स वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे, हिस्ट्री वाले बच्चे दोस्तों फॉरम भर सकते हैं। फिर बात करते हैं 80 नंबर पे होम साइंस आता है, फिर बात करते हैं 90 नंबर पे ज्योग्राफी आती है, फिर आपका 20 नंबर पे बात आती है इंस्ट्रूमेंटेशन की बात आती है, 21 नंबर पे लॉ की बात आती है, 22 नंबर पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात आती है, फिर आपका 23 नंबर पे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है। तो दोस्तों इससे आगे 24 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों प्रस्तुत कर रहे हैं, आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी की बात आती है 25 नंबर पे बात आती है, मैथमेटिक्स की बात आती है 26 नंबर पे बात आती है दोस्तों, म्यूजिक एंड डांस की बात आती है। फिर बात करते हैं 27 नंबर पे इंस्टीट्यूट ऑफ मास एंड कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी की बात आती है। फिर बात करते हैं दोस्तों 28 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर, तो दोस्तों 28 नंबर बात आती है भाई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस की बात आती है, फिर आपके पास साइकोलॉजी की बात आती है, फिर आपके पास फिजिकल एजुकेशन की बात आती है, 31 नंबर पे फिजिक्स की बात आती है, फिर आपकी पंजाबी की बात आती है, फिर पॉलिटिकल साइंस की बात आती है। तो दोस्तों ये तो थे 33। बात करेंगे पूरे दोस्तों आपके सामने सारे जो हमने बताए थे दोस्तों सारे प्रस्तुत करेंगे, आप किसी प्रकार टेंशन न लें। तो दोस्तों बात आती है इससे आगे आपके पास 34 नंबर दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर साइकोलॉजी की बात आती है,
फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, फिर दोस्तों बात आती है संस्कृत की बात आती है, फिर 37 नंबर पे बात आती है सोशल वर्क की बात आती है, फिर आपके पास सोशियोलॉजी की बात आती है, 39 नंबर पे स्टैटिक आपके पास और इसके रिसर्च की बात आती है। तो दोस्तों ये थे 39, फिर बात करते हैं दोस्तों इससे आगे आपके सामने दोस्तों पूरे बताएंगे भाई जो जिन्होंने चर्चा की थी हमें भाई आपके पास टोटल विषय के लिए दोस्तों इनके आवेदन आपको निकले हुए हैं। तो दोस्तों सभी की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आप किसी प्रकार टेंशन न लें। अब 39 नंबर के बाद में आपका 40 नंबर की बात आती है दोस्तों, 40 नंबर पे बात आती है आपकी मैनेजमेंट की, आपके पास टोरिकल मैनेजमेंट की, फिर आपके पास होटल मैनेजमेंट की, फिर आपके पास 42 बात आती है जूलॉजी की। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट नंबर जो आपका रह गया 43, उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है। तो दोस्तों ये थे टोटल आपके सब्जेक्ट रखे गए थे, इसमें जो जो इसके इंटरेस्टेड हैं भाई, तो दोस्तों इसके फॉर्म दोस्तों भर दें, उसकी तिथि दोस्तों हमने बता दी है, फीस भी बता दी है। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, यदि आपको हम ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो दोस्तों अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, और दोस्तों भविष्य में पाने वाली हर अपडेट दोस्तों, तो दोस्तों भविष्य में हर अपडेट पाने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जो नीचे बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों भविष्य में आने वाली हर अपडेट दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।